I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये बाप ही बताओ, मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? जिंदा तो बोल सकता है। ओए, क्या है? क्या रहा है? साथ में हूँ जी। बैठ जाए। हाँ भाई। ना मैं झूठ क्यों बोलूँगा जी आपसे? इसी बात का तो खुलासा करना है। बाकी तेरे तो ईशा के प्रूफ से कि राजेश ने मरते समय भाई जी का नाम लिया था। भाई जी ने 2 महीने पहले TDA ऑफिस में मुझे और राजेश को मारने की धमकी दी थी। पूछ लो जो बैठा है। तूने कई रिपोर्ट लिखवाई? है कोई गवाह? मैं हूँ गवाह। ओए रानदे, तू है नौकरी पेशे वाला आदमी और पुलिस और कोर्ट के चक्करों पड़ के खाली हो जाएगा। बाकी मने ईसा लाग गए से अक राजेश का मर्डर तन्ने करया से और उस बोले बाले भाई जी ने फसाने के चक्कर में हो। आप तो जी जब तक रिपोर्ट ना लिखोगे भाई जी के खिलाफ, मैं शांति से ना बैठूंगा। हम भी यहां शांति दूर करने ताई बैठे छ। चलो आप फिर देख लियो, आज मैं अकेला हूं, कल 100 लोग होंगे मेरे साथ। ओए ये गिद्दड़ धमकी और किसे ताई दिए? और मेरी अरे गहरा में गिनती मत करिए, जो तेरे बस की है ना वो कर लिए। आ गया चाल के यार, बिना कुछ लिए दिए नहीं लिखेगा एफआईआर। क्यों दूं मैं पैसे? दोस्त मरा है मेरा, इंसाफ चाहिए मुझे। ये ऐसे नहीं मानने वाला। कुछ करता हूं यार मैं। भाई जी को अरेस्ट करो, 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 भाई जी को अरेस्ट करो। अरे मैं तने स्याणा और समझदार आदमी समझू था, तू तो नेरा बावड़ी तरेड लेकड़िया। गलत फहमी तो मुझे भी कुछ हिस्सी थी आपके बारे में। ले रे, इसकी गलत फहमी ना आज दूर करे दूं। तेरे घने पर लेकड़िया है। जनाब, आज साहब का फोन आ रहा है, फोन उठ पाया, जल्दी आ जाओ। रुकड़े आऊं सो। भाई जी ना आराम कर। आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो सर? हाथ नहीं लगाना। किस आधार पे इनको गिरफ्तार किया है? कसूर क्या है इनका? अंदर ठीक कसूर तो बताओ, कसूर तो बताइए, आखिर बात क्या है? किस आधार पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं? भाई कहाँ रह गया था तू? चीफ इंजीनियर साहब कब से वेट कर रहे हैं तेरा यार। सुन, मिलके जाइए। सर आइए। सतपाल आइए। समय से पहले काम खत्म करने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूं सतपाल। अब तुम अपना ध्यान छोटे मोटे कामों से हटाओ, सिर्फ बड़ा काम करो। तुम बड़े कामों के लिए बने हो। समर्थी दिए तो कर पाते हैं, ना देता तो नहीं कर पाते। परमात्मा देता तो सबको है जी, पर हर कोई नहीं कर पाता। अच्छा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। आइए यहाँ बैठिए। लो भाई आ गया टाइम। आमन। राम राम जी। राम राम। ये दोस्त हैं भाई अपने, और आश्रम चलाते हैं बेसहारा औरतों के लिए। कैसी औरतों का आश्रम है जी? कुछ तो अनाथ बच्चियां होती हैं, ज्यादातर बेघर हुई तलाकशुदा औरतें। ऐसे आश्रम भी जरूरी हैं जी आजकल बेसहारा औरतों के लिए। कॉलेज में होते थे तो बहुत कुछ कर पाते थे, अब तो वैसे बोलो क्या क्या कर सकते हैं हम? बस वो एक मिनट। हाँ जी बोलो।
शर्मा जी माफी चाहता हूँ, अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा जी। अगली बार मिलेंगे तो आपका काम जरूर कर दूंगा। आप मिलो जरूर मुझसे एक बार। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। राम राम। सब ठीक तो है ना? मैं आता हूँ मन। सीमा। हाँ जी। ऐसा है, मुझे निकदू जाना पड़ेगा, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ माँ को? वो तो अभी पता नहीं, थोड़े पैसे निकाल दे। हाँ जी लाती। हाँ जी बोलो। ठीक है वैसे तो, पर कभी कभार वो पेट में मरोड़ सी उठती है, दर्द बहुत होता है उसको। तो मुझे पहला क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास सुनने जानने का वक्त ही कहाँ है बेटा, व्यस्त रहने लग गया ना आजकल। व्यस्त तो मैं हूं पर अपनों के लिए नहीं। पर तुम मुझसे बात ही कहां करता सत्तू, हर बाप बेटे में नोक झोंक होती है, तूने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। तोड़ने से रिश्ते टूटा करते हैं क्या? सोचों का मतभेद था उस वक्त, फिर वक्त ने हमें दूर कर दिया। वक्त के उसी मजबूरी के कारण एक बार मुंह से बोल नहीं पाया बेटा। लगाव तो वैसे मुझे सब बच्चों से है, पर मेरे सत्तू से ना बहुत सीखा है मैंने तेरे से। और तेरी मां से किस्सा छोटे। ठीक है भैया, दवाई दे दी थी? आता हूँ। दोबारा उल्टी तो नहीं? देर लगा नहीं। थी बेटा। बस, 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 बस। बस पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। चौहान साहब, अब दुनिया का कोई डॉक्टर चमत्कार नहीं कर सकता। क्यों? कैंसर, वो भी फोर्थ स्टेज पे। ज्यादा वक्त नहीं है माताजी के पास। डॉक्टर साहब वो बाहर विदेश में कोई चांस? वैसे ही फजीयत होगी सबको, होना वही है। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जाती तो दुनिया का कोई अमीर आदमी मरता ही नहीं। चीकू किसे दिए? माँ सॉरी थी के
देख मैं तेरे लिए केला हूं, अंगूर और चीकू ताजे हैं, खा के देख। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये शुगरी फ्रूट इनके लिए जहर है, प्लीज आप इन्हें ऐसे कुछ भी मत खिलाइए। और सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम हैं ना यहाँ। माँ मैं तेरे लिए थोड़े से अंगूर खरीद लूँ। बेटा मन तो मेरा भी कर रहा है तेरे लिए थोड़े से अंगूर ले लूँ, पर किराया ना कम पड़ जाए। देखो जगत का खेल, जब जात थी तब पीसे नहीं थे, अब पीसे हैं तो मैं खा नहीं सकती। हेलो, अरे वाह, चलाता हूं मैं। तू एक और बच्चे की दादी बन गई है माँ। अच्छा, मेरे पोतों की संख्या बड़ी या पोतियों की? पोतियों की। अच्छा है। ए बेटी, दो अंगूर दियो अपने बेटे को खिलाने। जी माता जी। देख बेटा, लोग कुछ भी कहें, तेरी बेटियां हजारों बेटों को पीछे छोड़ देंगी, याद रखना। आज ये दुनिया बड़ी सूनी सूनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसा गांव छोड़ के जाते वक्त लगा था, घर छोड़ के जाते वक्त लगा था, जब सीमा बीमार थी उस वक्त लगा था। मेरी मां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए सबसे ज्यादा विद्वान थी। कितना ज्ञान उसने मुझे दिया, उसकी उम्मीदें मुझसे ना कुछ और थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, अपनों के लिए तो सभी काम करते हैं। सीमा में दिल्ली से थक गया हूं, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बिल्डिंग, कब तक? देश को अगर मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करना होगा। बहुत बहुत बधाई हो।
ऐसा है जी, यह है तो हमारी पहली कोशिश, पर मैं चाहता हूं कि आप अपना नन्ना मुन्ना पौधा हमारे हवाले करो और हम एक फलदार छायादार पेड़ आपको वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। और बस मैं यही कहना चाहती हूं कि ये कोशिश खासकर बेटियों के लिए है, और जब तक बेटियां नहीं पढ़ेंगी तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। और वैसे भी जिस तरीके से नारी शक्ति आज विदेशी विचारधाराओं की तरफ जा रही है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे पुरुष में पुरुषत्व जरूरी है, उसी तरह नारी में नारीत्व। और आप सब लोगों से यही विनती है कि प्लीज आइए, हमारा साथ दीजिए, एक नए समाज की रचना कीजिए। धन्यवाद। और फिर इस तरह दिल्ली की चकाचौंध से दूर अपनी कर्मभूमि में लौट आए और सामाजिक कार्यों में जुट गए। लोगों के दुख दर्द में पहले से ज़्यादा समर्पित हो गए तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में अपना पूर्ण योगदान देने लगे। अनाथ व बेसहारा बच्चों के प्यार और ममता के प्रतीक बन गए। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.